ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल पेंशनर संघ के वर्ष 2019-21 अवधि के द्विवार्षिक पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुए। हमीरपुर में आयोजित बैठक के क्रम में निवर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया गया। इसी के साथ प्रदेशाध्यक्ष द्वारा अपनी समस्त कार्यकारिणी को भंग किया गया। उसके उपरांत पर्यवेक्षकों द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई। हिमाचल पेंशनर संघ की प्रदेश इकाई के वर्ष 2019-21 अवधि के लिए द्विवार्षिक चुनाव पेंशनर भवन हमीरपुर में पर्यवेक्षक एल आर मेहता और एम आर चौधरी की देखरेख में संपन्न हुए। इस दौरान निवर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की गतिविधियों के बारे में सभी को बताया गया। इसके बाद संघ के आय व्यय का ब्यौरा रखा गया। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की ओर से अपने समस्त कार्यकारिणी को भी भंग किया गया, जिसके बाद पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। सर्वप्रथम हाउस में प्रधान पद का प्रस्ताव लाया गया, जिसके लिए सर्वसम्मति से योगी राज शर्मा को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, जबकि मंडी के हरनाम सिंह को प्रदेश महासचिव और प्रदेश वित्त सचिव के पद पर ओम राज कंवर को चुना गया। हाउस के अनुमोदन पर बीडी शर्मा को संघ संस्थापक एवं विशेष सलाहकार और रमेश चंद भारद्वाज को संघ का मुख्य संरक्षक बनाया गया। सर्वप्रथम तो मैं सभी पेंशनर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त किया है। इससे पूर्व मैं 6 वर्ष तक हिमाचल पेंशन संघ का सेक्रेटरी जनरल रहा और मेरी कार्यशैली को और मेरे कामों को देख करके लोगों में उत्साह था और मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि आने वाले प्रधान आप होंगे। मैं इससे पूर्व भी जब जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैंने कार्य किया है तो मैंने सरकार के साथ बहुत सारे डिमांड्स के बारे में पत्र व्यवहार किए हैं और सरकार की ओर से मुझे सकारात्मक रिस्पांस भी मिला है, तो मैं सरकारों को भी बड़ा धन्यवादी हूँ। और निकट भविष्य में हम डिमांड चार्टर तैयार करेंगे और मेरी कार्यकारिणी जो है वो सरकार के साथ डिमांड्स के ऊपर चर्चा करेगी। और विशेष करके मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो एक चैलेंज है वो ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं कमज़ोर हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि उन डिस्ट्रिक्टों को ऑर्गेनाइज करूँ ताकि हिमाचल पेंशन संघ जो है वो बुलंदियों पर आगे की ओर बढ़े और मैं पेंशनर्स की समस्याओं को हल करवाने में सक्षम रहूं, ये मैं ईश्वर से दुआ करता हूं। पेंशन की सबसे बड़ी डिमांड जो है, जो पेंशन 65 वर्ष 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु के हैं, सरकार ने उन पेंशनरों को 65 वालों को 5%, 70 वालों को 10% और 75 वालों को 15% अलाउंस दिया है, भत्ता दिया है। हमारी सरकार से यही मुख्य मांग है कि इस भत्ते को हम जो पेंशनर्स की पेंशन है उसमें वृद्धि करवाएं। विश्वास मेरे पर व्यक्त किया है, मैं पूर्ण लगन से काम करने का प्रयास करूंगा, आपका सहयोग मिलेगा, मुझे आपका विश्वास मिलेगा और विशेष करके मैं परम श्रद्धेय आर सी भारद्वाज जी का बहुत 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 ही आभारी हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि पहले मैंने नहीं बताई, ना ही बताता था। मैं जब भी भारद्वाज जी को फोन करता था तो मैं इनको प्रणाम करता था। पहले ये प्रणाम से करने के योग्य से भी ऊपर हैं और आज जो इन्होंने यहाँ पर रोल प्ले किया है वो पूरे पेंशन समाज में अनुकरणीय है। अब हमारे दिलों में दो व्यक्ति बैठ गए हैं, पहले आदरणीय बीडी शर्मा जी थे, आज की डेट से थे तो पहले भी, लेकिन आज जो इन्होंने यहाँ पर ये काम किया है संघ को इकट्ठा रखने का, इसके लिए ये मेरे हमेशा मेरे दिमाग में रहेंगे, दिल में रहेंगे और इनको इनको शत 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 नमन। और मैं ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि आदरणीय भारद्वाज जी को लंबी आयु मिले, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे, इनका आशीर्वाद संघ के ऊपर रहे। धन्यवाद, जय हिंद और सभी लोग खाना खा। संघ के हमीरपुर जिला प्रधान केसी गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से तय अवधि में पूरी की गई। इसके लिए उन्होंने सभी खंड पदाधिकारी एवं पेंशनरों के प्रयास की सराहना की।